कन्नौज में भाजपा के कार्यक्रम में पार्टी नेताओं की खासी किरकिरी हुई। हुआ यूं कि कन्नौज के बोर्डिंग ग्राउंड में आज ग्राम पंचायत स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती को आना था, लेकिन वह सवा दो घंटा लेट कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। मंत्री की लेट होने का नतीजा यह निकला कि जिस भीड़ को अफसर और नेता काफी मान मनवल कर लाए थे, वह तीन घंटे पूरे होने तक वापस जाने लगी। भीड़ को इस तरह जाते देख अफसरों के चेहरे पर पसीना आ गया। पुलिस का रोब दिखाकर और मान मनवल कर भीड़ को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कोई नहीं रुका। हाल यह था कि उमा भारती के भाषण के बीच में ही पूरा पंडाल खाली हो गया। कुर्सियों पर सिर्फ नेता और अफसर ही बैठे दिखाई दे रहे थे। कार्यक्रम से पहले आए हुए सभी लोगों को खाना डिब्बों में बांट दिया गया था। आई हुई जनता ने जब खाना खा लिया, तब खाने के डिब्बों को वहीं पंडाल में फेंक दिया। बड़े डिब्बों को उठाने के लिए सफाई कर्मियों की जगह ननिहाल बच्चों से सफाई कर डिब्बे को उठवाया गया। अधिकारियों के सामने बच्चे खाने की जूठन साफ करते हैं। पत्रकारों के कठिन सवालों का जवाब मंत्री उमा भारती नहीं दे सकी। क्या जरूरत? हम भी ये मानते हैं कि गंगा का पानी अमृत है, था, लेकिन लोगों ने नहीं रखा। गंदे नाले जब तक गंगा में नहीं रोके जाएंगे, जब तक फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त तो पानी नहीं रोका जाएगा, गंगा कभी नहीं साफ हो सकती है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर गंगा अपने में साफ है तो 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि कहाँ चली गई जो आपने निकाली है? ये महाघोटाला का पर्दाफाश होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, मैंने बताया कि यहाँ पर किसी को बंधुआ मंजूर तरीके से लालच देके और बातों में नहीं लाया जा सकता है। वहाँ जो लोग आए थे कॉलोनी के नाम पर और प्रधानों पे दबाव डाल के लाया गया, वहाँ कुछ देर बैठे और उन्हें लगा कुछ नहीं मिलना है, सिर्फ बातों बातों में है। 4.5 साल इनकी बातें सुन चुके हैं, इनके भाषण सुन चुके हैं, इनकी जुमलेबाजी देख चुके हैं। अब तो जनता समय आ गया है जवाब देगी। कुर्सी तो खाली रहेगी, जहाँ जाएंगे वहाँ जनता और इन्हें खदेड़ेगी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में गंगा के किनारे के सभी गांव में अब ODF प्लस शुरू होना है, क्योंकि गंगा किनारे के सभी गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए 6 महीने पहले। अब हमने तैयारी शुरू कर दी है उन गांवों को निर्मल गांव बनाने की, यानी अन्य प्रकार की जो गंदगी है, कचरा प्रबंधन है, उससे कहीं बायोगैस बनना, कहीं बगीचा लगना, कहीं खाद बनना और उससे तरह तरह के रोजगारों का निर्माण होना, उसके लिए शुरुआत की है हमने उत्तर प्रदेश में कन्नौज से। गंगा 4 सालों में कितना आप लोग गंगा को सफाई कर पाए अभी तक? हम गंगा को साफ करने की बात हमारे मुँह से नहीं निकल सकती, क्योंकि गंगा अपने आप में निर्मल और पवित्र है। हमने जो सरकार ने जो भूलें की, हमने उनके निदान निकाले हैं। STP का, इंडस्ट्रीज की गंदगी का, सीवेज की गंदगी का, और इसके साथ ही साथ लोगों में ये जागृति कि लोग गंगा को प्रदूषित ना करें। सरकार ने 20,000 करोड़ की फंडिंग का प्रोविजन इसके लिए किया। हमने 2016 में जुलाई में, अगर आपको याद हो तो जुलाई से अगस्त तक हमने सबका शुभारंभ कर दिया, और अब भगवान की दया हुई कि मैंने ही उसके उद्घाटन शुरू किए साहबगंज से। आज भी वो गंदी की गंदी है। उसके लिए जो टोटल फेसिंग है वो मैंने अभी बोली, आपके रिकॉर्ड में दर्ज है। मैंने उसके लिए पूरे 10 साल शुरू से ही 10 साल बोले, मैंने कहा था निर्मलता का फेज वन। आप मेरे हर इंटरव्यू का रिकॉर्ड देखिएगा, निर्मलता का फेज वन 2 साल, निर्मलता का फेज टू 4 साल, मतलब कोई 2 साल के आगे 2 साल, और अविरलता 7 साल, और टोटल अविरलता और निर्मलता मैंने कहा था पूरे 10 साल। और ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किराए पर लिया गया हेलीकॉप्टर था, तो मैंने कहा आप मुझे बस कालपी तक छोड़ो, आगे मैं गाड़ी से जाऊँगी। कल्पी एक पर्यटक स्थल है, तो क्या यहाँ पर भी महारानी लक्ष्मीबाई का भी यहाँ पर एक किला है? जो मैंने टूरिस्ट सर्किट बनवाया था झांसी के लिए, उसमें कालपी है, और कालपी से लेकर बिठूर तक सारा उसके अंदर शामिल है, क्योंकि कालपी ने तो गौरव गाथा लिखी है, और वैसे भी ये पौराणिक स्थान है, महर्षि ऐतिहासिक स्थल है जो किले
कट रहा है यमुना से, यमुना से कटा हो रहा है उसका, बहुत उसके बारे में जो बनेगा हम कटान को रोक पूरा रोकेंगे। हमारे महानिदेशक पानी दिया जा रहा है, साफ करके पानी फिर नाले डाला है। माननीय मंत्री जी ने बोला उसकी काम तो चल रहा है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड वेस्ट दोनों चीजों को हम सवाल कर लेंगे। ब्लैक वाटर ग्रे वाटर कोई भी हिसाब से गंगा के अंदर नहीं आए, उसका डीपीआर बन रहे हैं, ए बी सॉलिड वेस्ट, और उसमें प्लास्टिक का भी एक भूमिका है। प्लास्टिक को बैन करके कैसे एनफोर्स किया।